हे गाइस, वेलकम टू वेदिनी। स्वागत है आपका वेदिनी के यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सबको पता ही चल चुका होगा, ड्यूटी जेआरएफ और गेट बी के फॉर्म्स आ चुके हैं। फॉर्म फिलिंग कल से स्टार्ट हो चुकी है। तो इस वीडियो में आपके बारे लाए हैं आपके लिए कंप्लीट डिटेल्स। इसमें हम सारी डिटेल्स दोनों एग्जाम्स की शेयर करेंगे, क्या उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे एग्जाम होगा, क्या क्या सिलेबस होगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, देन एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा, आपके एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ पढ़ेंगे, तो उस बारे में कंप्लीट डिटेल्स हम मैं और मनीषा मैम साथ में आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले डिटेल्स पढ़ने के बारे में हम समरी के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा, आपके सामने दिख रहे होंगे दो एग्जाम, गेट बी और डीबीटी। अब ये दोनों एग्जामिनेशन है क्या 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 इसके क्या क्या मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, किस लिए एग्जाम होते हैं, तो उस बारे में तो मैं समरी पहले आपको बता देता हूँ, फिर उसके बारे में आगे हम डिटेल्स के बारे में चलेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले चलिए बात कर लेते हैं इनके समरी के बारे में। मैं एक समरी बता देता हूँ। जैसा कि आपको पता ही होगा, दो एग्जाम्स होने वाले हैं, गेट बी और डीबीटी। सबसे पहले बात करते हैं गेट बी। गेट बी जो एग्जामिनेशन होता है वो आपके एमएससी और एमटेक इन बायोटेक में, डीबीटी स्पॉन्सर इंस्टीट्यूट। डीबीटी यू नो दैट डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट बहुत सारे इंस्टीट्यूट में इन प्रोग्राम्स को स्पॉन्सर करती है। तो उस प्रोग्राम में एडमिशन के लिए आपको गेट बी देना पड़ेगा। लाइक अगर आप अपने ग्रेजुएशन के बाद एमएससी या एमटेक करना चाहते हैं बायोटेक या अलाइड फील्ड्स में, तो उसके लिए आप गेट बी एग्जाम दे सकते हैं। याद रखें, जूलॉजी बॉटनी के लिए नहीं होता है। जूलॉजी बॉटनी के लिए आप सीयूटी पीजी देते हैं। ये गेट बी सिर्फ होता है एमएससी एमटेक इन बायोटेक या उससे अलाइड फील्ड्स में एडमिशन के लिए। और इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं मोटे मोटे बता दूं, बीएससी या बीटेक। लेकिन हर इंस्टीट्यूट की जो भी एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हर इंस्टीट्यूट का अपना खुद का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो आपको इस वाउचर के लास्ट में दिख जाएगा। लाइक बीएचयू हो गया, आईसीटी मुंबई हो गया, एमएटी हो गया, तो इन सबके अपने अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एमएससी एमटेक में एडमिशन के लिए। उसको आप देख सकते हैं और उसके बेसिस पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं किस प्रोग्राम में आपको आना है। अब इसमें बात करते हैं फेलोशिप की। गेट बी में भी फेलोशिप मिलेगी। अगर फॉर एग्जाम्पल एमएससी बायोटेक कर रहे हैं, क्या एमएससी कर रहे हैं बायोटेक में, तो आपकी फेलोशिप होगी 5000। वहीं पे अगर आप एमएससी कर रहे हैं एग्री बायोटेक में, तो आपकी फेलोशिप होगी 7500। और नेक्स्ट अगर आप एमटेक कर रहे हैं बायोटेक में, तो आपकी फेलोशिप होगी 12000, जो कि सेम एस आपको गेट भी देता है। ये आप क्लियर हो गया कि आपको इसमें फेलोशिप भी मिलेगी, जो डीक्यू की डिप्यूटी इन स्पॉन्सर कर रहा है, तो आपके लिए फेलोशिप भी प्रोवाइड की गई है। एमएससी बीटेक के लिए 5000, एमएससी एग्री के लिए 7500 और एमटेक के लिए 12000। तो इतना क्लियर हो गया। गेट भी एग्जाम होगा एमएससी एमटेक में, मीन्स पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए बायोटेक फील्ड्स में, जो कि डीबीटी स्पॉन्सर करेगा अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में। इसकी एलिजिबिलिटी जो होगी हर एग्जाम्स के लिए अलग अलग होगी। लाइक की बीएचयू के लिए अलग होगी, बीएचयू भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। बीएचयू जो एमएससी बायोटेक का प्रोग्राम है, उसमें एडमिशन इसी तरह होगा, इसी थ्रू होगा। साथ ही साथ एक और अच्छा इंस्टीट्यूट है आईसीटी मुंबई, उसका भी एडमिशन जो है इसी के थ्रू होगा। उनकी अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हैं। इसमें फेलोशिप के बारे में बता दिया आपकी, और भी सिलेबस और जो आपका एग्जामिनेशन पैटर्न होगा उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। अब बात कर लेते हैं डीबीटी यानी बैट, जो डीबीटी का एग्जाम होता है उसका नाम रखा गया बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट। बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट में दो कैटेगरी में एग्जामिनेशन होता है। पहले जो लोग दे चुके हैं वो भी उनको पता होगा, कैट वन और कैट टू। कैट वन कैटेगरी में जो क्वालिफाई करते हैं उनको मिलता है जेआरएफ। अब जेआरएफ में क्या होता है, तो जो भी इसमें दो कैटेगरी में क्वालिफिकेशन होती है, कैट वन और कैट टू। कैट वन में आपको जेआरएफ मिलता है। लाइक अगर आप इंडिया के किसी भी इंस्टीट्यूट से पीएचडी करना चाहते हैं, तो आप इस कैट वन में क्वालिफाई होकर वहां से जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। याद रहे ये फेलोशिप सेम होती है सीएसआर के थ्रू, लाइक की अभी जो बढ़ी है, तो इसमें आपको जेआरएफ के लिए मिलेगी 37000 और जो एसआरएफ क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको मिलेगी 42000। और ये फेलोशिप इंडिया के हर इंस्टीट्यूट में टेनेबल है, चाहे सीएसआर का इंस्टीट्यूट हो, चाहे आईआईटी हो, चाहे एनआईटी हो या फिर आईसर हो, तो ये डीबीटी जेआरएफ फेलोशिप हर जगह एलिजिबल है सेम एज सीएसआईआर, और अमाउंट भी सेम है 37000। और एक अच्छी बात मैं बता दूं, जो इसमें कंटिजेंसी होती है डीबीटी की, लाइक की जो आपको लैब में केमिकल्स वगैरह मंगाने होते हैं, वो डीबीटी में 10000 एक्स्ट्रा है। सीएसआर आपको कंटिजेंसी देता है ओनली 20000 पर ईयर, लेकिन डीबीटी आपको कंटिजेंसी देता है 30000, लेकिन जो फेलोशिप अमाउंट है वो सेम रहता है।
तो इस और इसमें बात करें एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी इसमें बीटेक, एमएससी, एमटेक, ये एलिजिबिलिटी है डीबीटी जेआरएफ की। बी फार्मा भी इसकी एलिजिबल्ट है, और एमएससी सिर्फ बायोटेक नहीं, जूलॉजी, बॉटनी, लाइफ साइंस से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट हो वो आप डीबीटी के लिए एलिजिबल है। तो एक बार फिर मैं समरी बता दे दूं, गेट भी एग्जामिनेशन किसके लिए होगा, एमएससी एमटेक इन बायोटेक में एडमिशन के लिए, और डीबीटी एग्जामिनेशन यानी बेट बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा जेआरएफ के लिए अगर आप आगे पीएचडी करना चाहते हैं। और इसका फेलोशिप अमाउंट सेम एस सीएसआईआर होगा, ये इंडिया के हर इंस्टीट्यूट में टेनेबल होगा, चाहे आईआईटी हो, चाहे आईएसआर हो, चाहे सीएसआर का इंस्टीट्यूट हो। और फेलोशिप अमाउंट मैंने आपको बताई दी, अब बढ़ते हैं और डिटेल्स के बारे में, तो मनीषा मैम बताएंगी डेट्स के बारे में। तो अभी तक तो आपने जान लिया कि गेट बी के लिए कौन एलिजिबल है और बीटी के लिए कौन एलिजिबल है, गेट बी क्यों देना है और बीटी क्यों देना है, ये सारी चीजें आपने जान ली। अब हम देखते हैं कि गेट बी के एग्जाम्स कब है, रजिस्ट्रेशन कब है, इन सारी चीजों के बारे में। तो अगर हम देखें गेट बी के लिए 2024 में इसका रजिस्ट्रेशन जो है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होना शुरू होगा आपका 1 फरवरी से। तो आपका जो एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है वो 8 फरवरी से शुरू हो रहा है, और लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का वो है आपका 6 मार्च, यानी 6 मार्च को आपका ये लास्ट डेट है गेट बी के लिए। अब सेम डेट है वो बीईटी के लिए भी अप्लाई होता है, यानी कि आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बीईटी के लिए भी 8 फरवरी से स्टार्ट होगा, और रजिस्ट्रेशन एंड डेट जो है वो 6 मार्च है बीईटी के लिए भी। और जो फॉर्म फिलिंग की टाइमिंग है, मतलब आप जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे वो मैक्सिमम आप 6 मार्च को 5 बजे शाम तक कर सकते हो, दोनों ही केस में, चाहे वो गेट बी हो या बीईटी हो, दोनों ही केस में आप 5 बजे तक ही फॉर्म फिल कर सकते हो शाम के। लेकिन एक चीज है कि अगर आपने 6 मार्च को शाम के 5 बजे तक फॉर्म फिल कर ली और किसी वजह से आपका ट्रांजेक्शन नहीं हो पा रहा है 5 बजे के आसपास, तो ट्रांजेक्शन की टाइमिंग यहाँ पे बढ़ा दी गई है। ट्रांजेक्शन फीस आप सबमिट कर सकते हो रात के 11:50 तक, रात के 11:50 तक आप फीस का ट्रांजेक्शन कर सकते हो। ये इसलिए है क्योंकि कई बार क्या होता है, हम फॉर्म फिल करते हैं लेकिन उस टाइम तक ट्रांजेक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो अगर 5 बजे तक आपने फॉर्म फिल कर लिया लेकिन ट्रांजेक्शन किसी वजह से अटक रही है, रुक रही है, तो वो हो जाएगा आपका 11:30 बजे रात के बाद, मतलब 11:50 तक जो है रात के आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। और ये भी एंड डेट है ट्रांजेक्शन का, वो भी दोनों ही केस में 6 मार्च है, चाहे वो बीईटी के लिए आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो या गेट बी के लिए ट्रांजेक्शन कर रहे हो, दोनों के लिए ही टाइम क्या है 11:50 रात के। अब अगर हम फीस की बात कर लें, कितना फीस जो है वो देना है आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए, अप्लाई करने के लिए, तो गेट बी के लिए अगर हम जनरल, ओबीसी, एमसीएल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए देखें तो फीस जो है गेट बी के लिए भी 1200 है और बीईटी के लिए भी 1200 रुपए ही है। और अगर आप गेट बी और बीईटी दोनों में ही अप्लाई करना चाहते हो तो ये फीस डबल हो जाएगी, कितनी, 2400 अमाउंट हो जाएगा इसका। अगर हम बात करें कैटेगरी एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी की, तो वहां गेट बी के लिए फीस जो है वो है 600 रुपीज, और बीईटी के लिए भी जो फीस है एप्लीकेशन फीस वो भी 600 रुपीज है। अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आप चाहते हो कि आप गेट बी भी अप्लाई करो और बीईटी भी अप्लाई करो, दोनों एग्जाम्स में अप्लाई करो, तो आपकी फीस लगेगी यहाँ पे 1200 रुपए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इनके मोड ऑफ एग्जाम कैसे हैं। और एक चीज और रह गई है, वो ये है कि अगर आपसे फॉर्म में कुछ गड़बड़ी हो गई है और फॉर्म को आप वापस से सुधारना चाहते हो कि आपने कोई नाम गलत फिल कर दिया, डेट गलत कर दिया, कुछ भी गलत फिल कर दिया और आप उसको सुधारना चाहते हो, तो आपको एक बार दोबारा मौका मिलेगा। कब मिलेगा? वो मिलेगा 8 मार्च से 9 मार्च के बीच में आपको दोबारा मौका मिलेगा फॉर्म करेक्शन का। 8 मार्च से 9 मार्च के बीच आपको दोबारा मौका मिलेगा फॉर्म करेक्शन का, दोनों ही केस में, गेट बी के केस में भी और बीईटी के केस में भी। अगर अब हम बात कर लें
एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की डेट की, तो वो अभी आपको बाद में वेबसाइट में बता दिया जाएगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें कि किस तरह से ये एग्जाम होगा, तो ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, यानी आपको एक दिए गए सेंटर पे जाना पड़ेगा और वहां पे सारा जो एग्जाम पेपर है और एग्जाम आंसर वो सब आपको माउस कीबोर्ड और मॉनिटर की हेल्प से डिलीवर करना पड़ेगा जो भी एग्जाम है। अब पैटर्न क्या है, पैटर्न यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs आएंगे। और कितने ड्यूरेशन का ये एग्जाम है, ये ड्यूरेशन गेट बी और बीईटी दोनों ही केस में 3 घंटे का एग्जाम होगा। ठीक, अपडेट भी दे दिया गया है यहाँ पे, एग्जाम का डेट होगा आपका 20 अप्रैल, 20 अप्रैल को ही दोनों एग्जाम होंगे, दोनों एग्जाम 20 अप्रैल को होंगे, लेकिन टाइमिंग अलग अलग दी हुई है। जो लोग दोनों में अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए ही ये है, आसानी रहेगी कि टाइमिंग अलग अलग है तो आप दोनों में अपेयर कर सकते हो। अब टाइमिंग क्या है, अगर आप गेट बी में अपेयर हो रहे हो तो ये टाइमिंग हो जाएगी 9 से 12, सुबह 9 से दोपहर के 12 बजे तक गेट बी का एग्जाम होगा 20 अप्रैल को, और शाम के 3 से शाम के 6 बजे तक एग्जाम होगा बीईटी का, सेम डेट 20 अप्रैल को। अब एग्जाम सेंटर जो है वो एडमिट कार्ड पे बताए जाएंगे कि आपको एग्जाम सेंटर कौन से है। चलिए, जैसे मनीषा मैम ने आपको डेट्स के बारे में बता दिया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है, कब आपको, कब से कब तक फॉर्म फिलिंग करनी, कब आपका एडमिट कार्ड वगैरह वगैरह, कब एग्जाम है, सब आएगा। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जैसा मैंने शुरू ही बताया कि गेट बी एग्जाम के लिए जो भी इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो भी यूनिवर्सिटीज में पार्टिसिपेट कर रही हैं, सबकी अपनी भी अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, लेकिन कॉमन जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगी वो बीएससी, बीटेक और एमएससी, ये 3 रहेगा। और इस ब्रोचर के लास्ट में सारे इंस्टीट्यूट जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं सबकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी गई है, जो मैं अभी आपको लास्ट में दिखाऊंगा। उसके बाद बात करें डीबीट बैट यानी डीबीटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, और इसमें एक चीज और देख लेते हैं, जो आपका एज लिमिट होगा, एज लिमिट मार्क्स, लाइक की जो आपके फाइनल डिग्री एमएससी बीएससी कर रहे हैं उसमें 60% मार्क्स होना चाहिए, और जो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीएस, तो अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो मैक्सिमम मिनिमम जो आपका बैचलर या मास्टर डिग्री होना चाहिए उसमें 60% मार्क्स होना चाहिए। लेकिन जो एससी एसटी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 5% के रिलैक्सेशन है, उनके लिए 55% मार्क्स होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की, तो एज लिमिट यहाँ पे बताया है 28 इयर्स किसके लिए, जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। तो जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनकी एज लिमिट होगी 28 इयर्स, और एससी एसटी ओबीसी के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन होगा, तो वो 33 इयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं, और जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में है वो 31 इयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। अब याद रखिएगा ये जो मार्क्स और एज लिमिट है ये सेम डीबीटी में भी अप्लाई होगा। अब बात करते हैं डीबीटी के एलिजिबिलिटी के बारे में। सो डीबीटी के एलिजिबिलिटी के बारे में बताया कि अगर जो बैचलर्स, क्या क्या बैचलर्स, बी बीटेक एमबीबीएस, मास्टर्स, एमएससी, एमटेक, एमफार्मा या इंटीग्रेटेड एमएससी एमटेक इन एनी डिसिप्लिन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस, बायोमेडिकल, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, बॉटनी, केमिस्ट्री, लाइक अगर आप किसी भी लाइफ साइंस के फील्ड में एमएससी, एमटेक या बीटेक कर रखा है तो आप डीबीटी के लिए एलिजिबल हैं। ये नहीं कि जूलॉजी बॉटनी वाले एलिजिबल नहीं है, जूलॉजी बॉटनी वाले भी एलिजिबल हैं। तो आप किसी भी बायोटेक्नोलॉजी या लाइफ साइंस के किसी भी फील्ड में आपने एमएससी, एमटेक या बीटेक कर रखा है तो आप डीबीटी के लिए एलिजिबल हैं। तो यह मैंने आपको एज लिमिट, एज के बारे में बता दिया, 28 इयर्स होना चाहिए जनरल के लिए, एससी एसटी के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है 33 इयर्स, और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है 31 इयर्स। ये और मार्क्स जो एमएससी मार्क्स होना चाहिए 31 इयर्स होना चाहिए, और जो गेट बी की एलिजिबिलिटी, जैसे मैंने बताया कि हर इंस्टीट्यूट का अलग अलग एलिजिबिलिटी है, वो आपको इस ब्रोशर के लास्ट में दिया गया है। और जो डीबीटी का एलिजिबिलिटी यानी बैट का एलिजिबिलिटी है वो बी बीटेक एमएससी एमटेक है, लाइफ साइंस से रिलेटेड किसी फील्ड में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न का, जो आपको मनीषा में बताएंगे। तो अगर हम गेट बी के एग्जाम के बारे में देखें कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, तो एग्जाम जो है आपका वो 2 सेक्शन में, अगर हम गेट बी की बात करें तो 2 सेक्शन में बटा हुआ है। पहला है सेक्शन ए और दूसरा है सेक्शन बी। अगर हम सेक्शन ए की बात करें तो इसमें इंटरमीडिएट लेवल यानी 10+2 के लेवल के जो क्वेश्चन है, किस सब्जेक्ट से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायोलॉजी से
सेक्शन ए में 10+2 लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? वो है 60, मतलब 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कितने अटेम्प्ट करने होते हैं आपको? सारे अटेम्प्ट करने होते हैं। अब सारे अटेम्प्ट करने होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप 60 के 60 पूरे करोगे। ये निगेटिव मार्किंग का भी ध्यान रखना है, अपने हिसाब से आपको देखना है कि आप कितने, अगर आपसे 60 के 60 क्वेश्चन बन रहे, 60 के 60 क्वेश्चन बन रहे तो आप पूरे करोगे। आपसे अगर वो नहीं बन रहे तो फिर आप जितने बन रहे उतने करोगे, ठीक। अब इसके बाद सेक्शन बी है। सेक्शन बी में जो है वो बैचलर्स लेवल पे जो भी आपने पढ़ रखा है उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लाइक सेक्शन बी में क्वेश्चन होंगे बेसिक बायोलॉजी से, लाइफ साइंस से रिलेटेड, बायोटेक्नोलॉजी से और उससे रिलेटेड एरिया से क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 100 क्वेश्चन होंगे। कितने अटेम्प्ट करने होंगे? 60 क्वेश्चन जो आपको, 60 क्वेश्चन जो है आपको अटेम्प्ट करने होंगे। और कितने मार्क्स के होंगे? अगर हम सेक्शन वन में देखें तो ये जो 60 क्वेश्चन है ये सारे करने होते हैं आपको, और ये वन मार्क्स के होते हैं। अगर हम नीचे वाले सेक्शन बी में देखें तो ये 100 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, लेकिन आपको उनमें से कोई 60 अटेम्प्ट करने होंगे जो आपको इजी लगे, मतलब जो आपको आ रहे हो, जो आपको आपके नॉलेज में हो, वो आपको कोई भी 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। अब यहाँ पे आप ये नहीं सोच सकते हो कि आपको 100 के 100 आ रहे हैं तो आप 100 अटेम्प्ट करके आओगे तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको 60 क्वेश्चन कोई भी चुन के अटेम्प्ट करने होते हैं। अब सेक्शन बी में जो मार्किंग है वो यहाँ पे मार्किंग है पर क्वेश्चन, आपको 3 नंबर मिलेंगे, मतलब हर एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का होगा। सेक्शन वन में हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, और इस तरह से जो टोटल मार्क्स होंगे वो टोटल क्वेश्चन होंगे वो 160 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनकी टोटल मार्किंग होगी 240। टोटल मार्किंग 240 नंबर्स की होगी, और क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे? 160। आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं? ओनली 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 60 क्वेश्चन सेक्शन वन में और 60 क्वेश्चन सेक्शन बी में, मतलब सेक्शन ए में 60 क्वेश्चन, सेक्शन बी में 60 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। अगर सेक्शन अब अगर हम दूसरे एग्जाम की बात करें जो कि है बीईटी, जो कि पीएचडी के लिए है, तो यहाँ पे बीईटी में भी सेक्शन 2 डिवाइड किए गए हैं आपको, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए जो है वो आपका रिलेट करेगा जनरल साइंस के क्वेश्चन से, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन से, केमिस्ट्री के क्वेश्चन से, जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन से, कुछ एनालिटिकल क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड जनरल बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चन इनमें होंगे। अब यहाँ पे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? सेक्शन ए से आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आपको 50 क्वेश्चन इनमें अटेम्प्ट करने हैं, मतलब अगर आपको 50 के 50 आते हैं तो आप 500 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करेंगे, नहीं आते हैं तो नहीं अटेम्प्ट करेंगे, जितने आते हैं उतने ही करेंगे। यहाँ पे पर क्वेश्चन मार्क दोनों सेक्शन में सेम है, मतलब 3, हर क्वेश्चन के आपको 3 नंबर जो है वो मिलेंगे। नेक्स्ट सेक्शन जो है वो सेक्शन बी है, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड, बायोटेक्नोलॉजी के सिलेबस से रिलेटेड स्पेसिफिकली क्वेश्चन जो है वो सारे बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड पूछे जाएंगे सेक्शन बी में। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? पूरे 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं? आपको अटेम्प्ट करने हैं उनमें से सिर्फ 50 क्वेश्चन, मतलब आपको पूरे 150 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर देने हैं कि हाँ सारे आ रहे हैं मैं सारे कर दूंगा। आपको क्वेश्चन जो मार्किंग होगी वो आपको 50 क्वेश्चन की ही मार्किंग मिलेगी, तो जो क्वेश्चन आते हो उन्हीं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। कितने? 50 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पे टोटल आपको पेपर में मिलेंगे 200 क्वेश्चन, जिनमें से आपको 100 अटेम्प्ट करने होंगे, 50 जो है सेक्शन ए से, 50 जो है वो सेक्शन बी से। अभी फिर आपको ये टोटल मार्क्स हो जाएगा 300, क्योंकि हर क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का है, 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये 300 नंबर का जो टोटल एग्जाम है वो 300 नंबर का होगा। अगर आपको सिलेबस डिटेल में जाननी हो कि बीईटी या गेट बी का सिलेबस क्या है, तो आप इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, जो कि है http://rcb.res.in/upload-dbt-jrf, ठीक। इस सिलेबस, इस लिंक पे विजिट करके आप अपना सिलेबस देख सकते हो कि कंप्लीट सिलेबस क्या है डिटेल में। अगर एग्जामिनेशन की बात करी जाए कि कौन सी लैंग्वेज में होगा एग्जाम, तो ये होगा इंग्लिश लैंग्वेज में, ओनली इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो अवेलेबल है इस एग्जाम को अपेयर करने का।
जैसे मनीषा हमने आपको मार्किंग सिक्स में बता ही दिया, मैं आपको कुछ नेगेटिव मार्किंग बता दूं। तो नेगेटिव मार्किंग भी दोनों एग्जामिनेशन है। सबसे पहले बात कर लेते हैं गैट बी एग्जामिनेशन के बारे में। तो गैट बी का सेक्शन ए होगा जिसमें आपको 1 मार्क्स पॉजिटिव मिलेंगे लेकिन उसमें 0.5 नेगेटिव मार्क्स होगा, और जो सेक्शन बी होगा उसमें आपको 3 मार्क्स पॉजिटिव मिलेंगे और 1 मार्क्स कट जाएगा। तो क्या सेक्शन ए के लिए +1 और -0.5, सेक्शन बी के लिए +3 और -1। सेम उसी तरह आपका जो डीबीटी होगा यानी बैट एग्जामिनेशन, उसके लिए दोनों सेक्शन में आपको +3 मिलेंगे और कट जाएंगे -1। तो आपने क्या देखा कि अगर आपका क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो आपका नेगेटिव मार्किंग कितना हो रहा है उस पे 1 मार्क्स का, और अगर आपका क्वेश्चन 1 मार्क्स का है तो उसपे नेगेटिव आपका हाफ हो रहा है, मतलब 0.5 नंबर जो है वो कट रहे हैं। अब हम देखेंगे कि टाइमिंग्स क्या है एग्जाम की। मैंने डेट पहले ही बता दिया था कि जो डेट है वो आपका है 20 अप्रैल। डेट क्या है आपका 20 अप्रैल को होगा एग्जाम, 20 अप्रैल को ये एग्जाम होगा। कितने घंटे का होगा? 3 घंटे का होगा। टाइमिंग भी मैंने पहले ही मेंशन कर दी थी कि अगर जो आप दोनों अपीयर कर रहे हो, दोनों एग्जाम्स में अपीयर कर रहे हो, तो टाइमिंग इनकी अलग अलग है, टेंशन लेने की बात नहीं है। सुबह 9 से 12 का जो शेड्यूल है 20 अप्रैल को सुबह 9 से 12 वाला जो शेड्यूल है उसमें एग्जाम होगा गेट बी का, और शाम को 3 से शाम के 6 का जो शेड्यूल है वो है बीटी एग्जाम्स के लिए शाम के 3 से और 6 बजे तक। तो दोनों एग्जाम्स में बीच में गैप भी मिला है आपको 2 घंटे का, तो ये इजीली मैनेजेबल है उन लोगों के लिए जो दोनों एग्जाम्स में अपेयर कर रहे हैं, प्लस एग्जाम की टाइमिंग तो ठीक ठाक है। सो अब आपको इसमें आप काफी डिटेल्स बता दी गई। लास्ट में जो मैंने बताया था जो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं गेट बी के लिए उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो आपको इन्फॉर्मेशन वाउचर के लास्ट में जाना है अपेंडिक्स 2 में। तो यहाँ आपको जितनी भी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट्स कर रही है गेट बी एग्जाम में उनकी लिस्ट मिल जाएगी। ध्यान रखिए ये सिर्फ जो यूनिवर्सिटीज हैं सिर्फ गेट बी के लिए। डीबीटी जो होता है वो किसी भी इंस्टीट्यूट में डिनी वाले, चाहे आईआईटी सीएसआईआर हो, तो उसमें डीबीटी के लिए कोई भी पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट का क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन गेट बी एग्जाम्स के लिए पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट का क्राइटेरिया है। लाइक अगर आप एमएससी बायोटेक्नोलॉजी करना चाहते हैं तो जैसे एमआईटी यूनिवर्सिटी हो गया, इसमें नंबर ऑफ सीट्स क्या है, इसमें जो उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सेम जैसे बीएचयू हो गया, इसमें नंबर ऑफ सीट्स 30 है और उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो आप जिस इंस्टीट्यूट से आप एमएससी एमटेक करना चाहते हैं तो उनकी इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दे रखी है। सो होप कि हमने आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे बता दी होगी, कैसे फॉर्म आप फिल करना है, क्या क्या एग्जामिनेशन पेंटर है, कैसे आपका एग्जाम होगा, किस डेट पे एग्जाम होगा, क्या उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसके बाद भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग वेदमी एजुकेटिंग इंडिया।